वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू पादप ऊतक। तो टिश्यू क्या होते हैं? शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं। अतः शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, एक निश्चित स्थान कोशिकाओं के समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं। प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक, संरचना एवं कार्य के आधार पर मुख्यतः ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभेद्योतिकी ऊतक। नंबर टू, परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ऊतक पौधों के वृद्धि भागों में पाए जाते हैं। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। इनकी कोशिकाएं गोल, बहुभुजीय या अंडाकार होती हैं। इनमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है। काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि इनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप शरीर में उपस्थित के आधार पर विभेद्योतिकी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन, एपिकल मेरिस्टम। नंबर टू, लेटरल मेरिस्टम। नंबर थ्री, इंटर कैलरी मेरिस्टम। पहला है एपिकल मेरिस्टम। ये ऊतक तने तथा जड़ के सिरों पर पाया जाता है। इसके विभाजन से जड़ तथा तने लंबाई में वृद्धि करते हैं। नंबर टू, लेटरल मेरिस्टम। इसकी कोशिकाओं के विभाजन से तने व मूल यानी जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। नंबर नेक्स्ट, इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये पत्तियों के ब्रंथ व शाखा के पर्व इंटर नोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। इसका फिगर यहाँ दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है लेटरल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम और ये एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ ए प्लांट। उसके बाद इसमें अगला नेक्स्ट नंबर सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतकों का निर्माण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूपांतरण से होता है। इसमें कोशिकाएं जीवित या मृत होती हैं। इनमें सामान्यतः सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन नहीं होता है। मुख्यतः स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सिंपल टिश्यू। नंबर टू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू, इन ऊतकों का निर्माण केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि सिंपल टिश्यू को फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, कोलेनकाइमा। नंबर टू, पैरेनकाइमा। नंबर थ्री, स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है? ये कोशिकाएं पैरेनकाइमा सेल से कुछ लंबी एवं जीवित होती हैं। इनका कार्य कोमल भागों पर लचीलापन व यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। नंबर नेक्स्ट, पैरेनकाइमा। इनकी कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव्य युक्त एवं सेलुलोज की बनी होती हैं। इनका कार्य पौधों को सहारा देना तथा भंडारण करना है। स्क्लेरेनकाइमा, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी पतली तथा मृत होती हैं। इनका कार्य पौधे को दृढ़ता व यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। इस ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये ऊतक जो है दो तरह से बनता है, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनता है। इसे संवहन बंडल बनाते हैं। जाइलम, जाइलम क्या है? जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है डिवाइडेड इनटू थ्री इनटू टू पार्ट्स, जाइलम,
एंड फ्लोएम। जाइलम इसके अंतर्गत चार प्रकार की विशेष संरचनाएं आती हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम का काम क्या है? जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल व लवणों के घोल को पत्तियों व अन्य भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम ये चार प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम द्वारा पौधों की पत्तियों में तैयार खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। थैंक यू।